दलित सरकार किस चीज को लेकर आज आपने पुतला फूंका मुख्यमंत्री हुए थे? समाजवादी पार्टी छात्रसभा महानगर आगरा द्वारा आज जो छात्रों और जो युवा जो बेरोजगार लोग हैं, छात्र हैं हमारे, उनके रूप में एक बहुत बड़ा तमाचा मारा योगी सरकार ने कि हर बार ऐसे ही 9 ऐसी परीक्षाएं हुई जिनके हर परीक्षा लीक हुए या ये भर्तियां कैंसिल कर दी गईं। इनकी मनसा ही साफ़ नहीं है, इनका इरादा साफ नहीं है, युवाओं के लिए मनसा साफ नहीं है कि हर बार ये ऐसे ही परीक्षा कराते हैं और लीक पेपर लीक करा देते हैं या परीक्षा नहीं होने देते हैं। क्योंकि युवा अगर कल 21 लाख छात्र अगर पेपर दे देते टेट के तो वो युवा नौकरी मांगते, रोजगार मांगते, इसलिए उन्हें पर्चा लीक कराकर नौकरी की बात ही मार दी। मुख्यमंत्री तो एनएससी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, इन लोगों ने ऐसा संलिप्त हैं वो लोग? हर बार ऐसा ही होता है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार या बीजेपी सरकार हर बार ऐसा करती है कि पहले बात करती है कि हम लोग अच्छा नौकरी करा, अच्छी ताकत से हमारी कानून व्यवस्था ठीक है या हमारी हर व्यवस्था में कोई चूक नहीं है, लेकिन पहले काम करा देते हैं, उसके बाद बड़े झूठे झूठे वादे करते हैं, बाद में बताते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं? फिर आपकी सरकार क्या कर रही है जब आप एक पर्चा नहीं बचा पा रहे हैं? तो ये महिलाओं की और लड़कियों की इज्जतें लुट रही हैं, इनकी तो बहुत बड़ी बात हो गई, एक पर्चा नहीं बचा पा रहे हैं, कैसी सरकार है आपकी? ये दर्शाता है कि 2022 में माननीय अखिलेश यादव की सरकार आने वाली है, ये एक सरकार पर्चा नहीं बचा पा रही, छात्रों का भविष्य नहीं बचा रही, तो ऐसी सरकार को हटना लाजमी। मैं आपको याद हूँ जो कल उत्तर प्रदेश यूपी टेट की परीक्षा थी उसे इन लोगों ने जानबूझ के लीक कराया है। योगी जी की मानसिकता ये है कि अगर ये बच्चे पास करते हैं तो मुझे रोज़गार देना पड़ेगा, रोज़गार दूंगा तो आगे सरकार नहीं ला पाऊँगा। मेरा मैं ये हमारे महानगर की तरफ से आज पुतला फूंका गया है।